हेलो डियर, कैसे हो आप सब। मैं रोहित दीमान, आप देख रहे हैं दिमाशी चैनल। और आज हम बात करने वाले NCL अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो NCL हमारा नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंदर है, और ये जो वैकेंसी है आपकी रहेगी मध्य प्रदेश के अंदर, पोस्ट सिंगरौली, जिला सिंगरौली के अंदर है, पिन कोड 486889। और यहाँ पे जो डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 10/6/2021 से स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट जो फॉर्म की रहेगी वो रहेगी 9 जुलाई 2021 5 बजे तक। और ये एड्रेस है ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर, NCL सिंगरौली MP 486889। कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, ईमेल आईडी दी है। चलिए देखते हैं किन किन बच्चे वाले अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, टोटल 1500 पोस्ट है अप्रेंटिसशिप के लिए। और सबसे पहले ट्रेड है वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक। यहाँ पे जनरल की 51 पोस्ट हैं, OBC की 15 पोस्ट हैं, SC की 14 पोस्ट हैं, 20 ST की हैं, 2 हैं एंड 2 पोस्ट हैं इनकी HH की, ठीक है। एक साल का रहेगा। नंबर दो हम बात करते हैं आगे फीटर। तो फीटर वालों के बच्चों के लिए जनरल की जो पोस्ट है वो 406 है, OBC की 120 है, 114 SC की, 160 ST की हैं, HH की 16 हैं, और टोटल 800 पोस्ट हैं फीटर की, एक साल का टाइम पीरियड है। और इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे 254 पोस्ट हैं जनरल की, 75 पोस्ट हैं OBC की, 71 पोस्ट हैं SC की एंड 100 पोस्ट हैं ST की। HH की यहाँ पे 10 पोस्ट है। टोटल 500 पोस्ट हैं, एक साल का टाइम पीरियड रहेगा अप्रेंटिसशिप का। और लास्ट में है मोटर मैकेनिक। तो मोटर मैकेनिक यहाँ पे 51 पोस्ट है जनरल की, 15 पोस्ट हैं OBC, 14 पोस्ट हैं SC, 20 पोस्ट हैं ST और 2 पोस्ट हैं HH की। तो टोटल यहाँ पे 100 पोस्ट है। तो टोटल अप्रेंटिसशिप पोस्ट यहाँ पे 1500 हैं, ठीक है। और आगे क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। वेल्डर वाले बच्चे को लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 8वीं क्लास के साथ साथ ITI पास होना चाहिए फ्रॉम वेल्डर ट्रेड से, NCVT और SCVT, और साथ में UP और MP बेस्ड इंस्टीट्यूट ओनली। आपको या तो केवल उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से अगर इंस्टीट्यूट में पास किया है तभी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। नंबर दो फॉर इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे 10th प्लस ITI जो पास हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, वो NCVT SCVT वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट से पास किया है। आगे फ्यूटर के लिए 10th प्लस ITI बेस्ड रहेगा सेम ऐसे, और मोटर मैकेनिक के लिए भी ऐसे रहेगा 10th प्लस ITI फ्रॉम MP एंड UP। और आल ट्रेड इन्होंने क्लियर लिखा है, आल ट्रेड दी क्वालिफिकेशन जो है NCVT, UP और MP बेस्ड इंस्टीट्यूट ओनली, ओनली UP और MP बेस्ड इंस्टीट्यूट के लिए है, और कोई बच्चे यहाँ पे अप्लाई ना करे। और सेकेंड इन्होंने लिखा है जो भी आपकी ट्रेड है उसमें 50% नंबर से पास होना चाहिए जनरल वाले बच्चों के लिए, और OBC वाले बच्चे 45% नंबर से पास होने जरूरी हैं। एंड कट ऑफ डेट जो है इनकी 30 जून 2021 को आ जाएगी, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं मिनिमम एज। तो एज की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज रहेगी 16 साल और मैक्सिमम रहेगी 24 साल यहाँ पे 30/6/2021 के अनुसार। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलती है तो सेम वैसे रहेगा, 5 साल की छूट SC ST को और 3 साल की छूट OBC वालों को। और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, इन्होंने लिंक दिया है www.ncicil.in पे। और इन नीचे है NCL का वेबसाइट लिंक www.ncicil.in पे। आगे देखते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, प्रोसीजर टू अप्लाई। सबसे पहले रिकेंट कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपकी पिछले 6 महीने से पुरानी ना हो। नंबर सेकंड सेल्फ सिग्नेचर होने चाहिए। नंबर 3 आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होने चाहिए। नंबर 4 ITI मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके सारे। नंबर 5 8th क्लास या 10th क्लास की मार्कशीट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 8th क्लास या 10th क्लास की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। नंबर 6 पैन कार्ड चाहिए। नंबर 7 आधार कार्ड। नंबर 8 कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट। नंबर 9 बैंक अकाउंट डिटेल, ये सब आपकी इनको जब भी आप फॉर्म का अप्लाई करोगे तो ये सब चीज़ें चाहिएंगी। और इनकी मैं आपको दोबारा वेबसाइट दिखा देता हूँ www.nclcil.in पे। और बाकी मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप उससे भी इसको पूरा पढ़ सकते हो। और
और अधिक जानकारी के लिए और अगर कोई इसकी अदर इन्फॉर्मेशन आती है या जॉब से रिलेटेड अदर वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।